बतारीख 1 नवंबर बरोजे पीर को चंद्रायन गुट्टा में मौजूद अमान बैतुल मंदी के बैंक्वेट हॉल में तेरे नाम सॉन्ग की लॉन्चिंग के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस सॉन्ग में कास्टिंग एक्ट्रेस करिश्मा और मॉडल अयान मिर्जा ने की। इस मौके पर हैदराबादी फिल्मों के मशहूर व मारूफ कॉमेडियन हाजी कमाल और दिगर भी मौजूद थे। तेरे नाम सॉन्ग के रिलीज के मौके पर मॉडल अयान मिर्जा और एक्ट्रेस व मॉडल करिश्मा ने अपने इस सॉन्ग को लेकर तजुर्बात भी शेयर किए। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद झलकियां एवरी टाइम्स न्यूज चैनल के साथ। ये तो गॉड गिफ्ट है, किसी को देख के नहीं आया क्योंकि मैं नॉर्मली फोटोशूट्स करता था, छोटा DSLR रहता था ना, तो हम लोग ऐसे ही फोटोशूट्स करते 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 अब सब फोटोज देख के लोग मॉडल ऐसे ही बोलते थे कुछ, तुम मॉडलिंग में ट्राई करो ऐसा है। तो जब से मैं ऐसे करियर ऐसे स्टार्ट हुआ मेरा। तो पहला आपका कौन सा वो है मॉडल जो फोटोशूट हुआ? जी मेरा तो पहला मैं स्टार्ट करा मिस्टर करीमनगर से, जो हमारे मैम प्रिया मैम जो ऑर्गेनाइज करे थे शो और जज भी उन्होंने थे वहाँ के, जो वहाँ से मुझे करियर का एक फैशन फील्ड में जो इंटरेस्ट वहाँ से और ज़्यादा बढ़ गया था, एक अचीवमेंट सक्सेस हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट वाला और उसके बाद बहुत इंटरेस्ट आ गया। मैडम जी आप, हाँ जी, अब जो है आप इसके मुताबिक बोलिए कि जो आप जो है जो तेरे नाम जो एल्बम किए हैं वो तेरे नाम एल्बम जो है किस पे यानी किस तरीके से बनाए आप, जो है लॉक पे बनाए या किस चीज़ पे बनाए, इसके बारे में बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ZBR प्रोडक्शंस बोल के यूट्यूब चैनल है, जो न्यू चैनल है अभी, इस पे आगे भी बहुत कुछ वक्स आने वाले हैं। तो हम आपको यहाँ से हमारे मेरे बड़े भाई जुबैर भाई बोल के, तो उनसे सपोर्ट मिला है तो इस पे शुरुआत करें। वीडियो नॉर्मली 3 मिनट्स का है तो आप क्या तो उतना ज़्यादा तो सोचा नहीं, बट जो भी होगा बेस्ट होगा मेरे दिमाग से, तो मैं यही सोचा जो भी होगा बेस्ट ही होगा बस। आपका ये पहला एल्बम है? पहला एल्बम बोल के नहीं, इससे पहले मैंने थोड़े शॉर्ट मूवीज किए हैं, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल काम मैंने ये आज पहली बार किया है। इसके पहले आई वॉज़ इन टू मॉडलिंग, मैंने मॉडलिंग से अपना करियर स्टार्ट किया था, वो भी 2 साल पहले, तो समझ लीजिए इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है इस एल्बम को, इस एल्बम से क्या आप जो है अपना एक्सपेक्ट कर रही हूँ? मैडम आप क्या इन दोनों को क्या करना है फ्यूचर में वो बताइए, इन लोग को क्या सपोर्ट करेंगे आप ये बताइए। सब बच्चों को पहले तो दे हैव टू लर्न रेस्पेक्ट द एल्डर्स, रेस्पेक्ट द इंडस्ट्री, रेस्पेक्ट द सिस्टम, योर फैमिली फ्रेंड्स, और जो स्कूल में आप पढ़ते हो ना वही चीज़ आपको काम में भी देना पड़ेगा। ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, जब आप हार्डवर्क करोगे तभी आगे पहुंचोगे। तो जब मैं करीमनगर गई, करीमनगर सिद्धिपेट, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, जब अयान को मैंने देखा वो बहुत खुश हो गया कि मैम समवन फ्रॉम हैदराबाद से यहाँ आके फैशन कर रहे। मुझे वहाँ पता नहीं किस लिए मैं गई, किसी और ने मुझे लेके गए तो मैंने वहाँ गए, तो ऐसे सारे बहुत सारे बच्चे थे, 30-40 ऐसे बच्चे थे जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो मैंने अपने कॉलेज की तरफ से इनके लिए ऑर्गेनाइज़ की। और ऐसा वेरी नाइस टैलेंट, सब फैशन हेयर स्टाइल क्लोथिंग कुछ ना कुछ उनको दिखानी है इस चीज़ में, तो दे व्हाट दे वांटेड वाज अ स्मॉल सपोर्ट, एनकरेजमेंट टू टेक देम फॉरवर्ड। तो वो चीज़ मैंने दी मीडिया के सामने, और जो मीडिया ने इनके बारे में जो देखा है उन्होंने पेपर में डाला है, और उसके बाद से अयान का इंटरेस्ट और बढ़ गया, पेरेंट्स का सपोर्ट और बढ़ गया, और वो आके हैदराबाद में आ गया, और हैदराबाद में नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। तो तब से वो मुझे पूछ रहा था मैम कैसे प्लेटफॉर्म में जाना है, कहाँ जाना है मुझे, दैट इज़ कॉल्ड गाइडेंस, हमें बच्चों को गाइडेंस देना ज़रूरी है कैसे जाना है। तो उसके बाद मैंने इसको एक प्लेटफॉर्म हैदराबाद की प्लेटफॉर्म दी, उसके बाद ये सीधा नेशनल बन गया, तो नेशनल मॉडल। ये एल्बम बनाने में आपको कितना वक्त लगा? आई रियली डोंट नो, मैक्सिमम हम 2 डेज वर्किंग, प्रोडक्शन का काम 2 ही दिन रहता है, शूटिंग 2 दिन। करिश्मा में करिश्मा का और आप जो शॉर्ट्स रहते तो बराबर वक्त पे हो जाते थे? अगर वक्त पे कुछ हो गया तो समझ लो वो शूट ही नहीं है क्योंकि जब हम कुछ डिसाइड करते हैं तो वो एकदम प्रोफेशनल वे में करते हैं। अयान का ऐसा कुछ काम नहीं है कि हाँ जल्दी करना है तो ख़त्म करो और भाग जाओ। कोई चीज़ का एल्बम है मैडम? ये 3 मिनट्स का है, 3 मिनट्स का है। जी हाँ, तो अयान हर चीज़ पेशेंस से करें, हमने टाइम लिया, सबका सपोर्ट लिया,
एंड ये सिर्फ हम दोनों का काम नहीं है, डीओपी ने एंड जो मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा। करिश्मा मैडम, आपसे एक सवाल है मेरा जी, सॉन्ग का नाम तेरे नाम क्यों है? क्योंकि वो गाने का नाम है जो बेसिकली जो ओरिजिनल सिंगर है ना, जो जिनका ये सॉन्ग है उनका नाम है ये तेरे नाम, तो उन्हीं के सॉन्ग का हमने रिमेक किया है दूसरे सिंगर की वॉइस में। कनेक्शन ज्यादा लग जाए, जब हम तेरा बोलेंगे तो मेरा है, मेरे लिए गा रहे से सब लोगों का दिल तो लगेगा। सबसे पहले अयान को मुबारकबाद, मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया। और एक बात है, ये अयान से मेरा काफ़ी दोस्ता से मेरे को अच्छा दिखा, जब मैं देखा अयान में रफली प्रेम भाई जो इसके डीओपी भेजे मेरे को, तो इनको देख के मैं बोला अयान आप तो भी हिट होते हैं, करिश्मा हिट होते हैं, क्योंकि गाने के लिरिक्स जो है अच्छे लिखे हैं और सुनने में भी आपको हेडफोन में आप हाईटेक सिटी अगर कार में गए तो ये गाना सुने तो बहुत इंजॉय करेंगे। मैं खुश हुआ क्योंकि गाना तो नहीं सुना है टाइम की किल्लत की वजह से, मगर गाना अच्छा है, एंजॉय करिए। लोकेशन में 3 लोकेशन यूज़ करे लोग और एकदम नया कपल्स दिख रहे हैं, मैं तो नाम रख दिया शाहिद कपूर और कोई हीरोइन का नाम बताया मैं तो ऐसा है। तो हैदराबाद से ताल्लुक़ है, हैदराबाद से थोड़ा सा सपोर्ट हाजी भाई, तो मैंने सपोर्ट किया माशाल्लाह से। लेट के लिए तो हमेशा आगे पीछे होता, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया का। चलिए हमारे और इसके स्पॉन्सर आप नए उभरते हुए सितारों को शुक्रिया, इसका बोलिए सोशल मीडिया की जानिब से आप लोगों को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। स्पॉन्सर का भी नाम और जो अभी अपन लॉन्च का जो भी फंक्शन रखे ना, तो इसके स्पॉन्सर हमारे सैयद एजाज है, जो जिनका KGF है, डिज़ाइनर है, उनका स्टोर यहाँ पर हुसैनी आलम में है, उन्होंने हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ करे, उनका ये जो भी इवेंट है हमारे लिए बैकबोन उन्होंने ही थे, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, थैंक्स एजाज भाई के लिए। आप कुछ थैंक्स बोलें। जी हाँ, तो फिलहाल के लिए हमारे लिए जो बैकबोन है वो आप सब लोग हैं, क्योंकि हमने सॉन्ग तो कर दिया लेकिन इसके लिए हमको आगे बढ़ाना, हमको हिट करवाना, ये सब आपके हाथ में, तो बेसिकली हमारे लिए बैकबोन सपोर्ट सब लोग आप हो। पूरा गुस्सा खत्म।